नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सफला एकादशी व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। 1 जनवरी साल 2019 में ये व्रत मनाया जाएगा। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। जागरण करते हुए कीर्तन पाठ आदि करना अत्यंत फलदायी रहता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। ये एकादशी व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराती है। सफला एकादशी के विषय में कहा गया है कि ये एकादशी व्यक्ति को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप दूर होते हैं। एकादशी व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है और जब ये व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मोक्ष देता है। सफला एकादशी के व्रत में देव श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो, वो इस व्रत का संकल्प करके इस व्रत का आरंभ नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ करे। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जहां तक हो सके व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में उसे नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान श्री विष्णु के सामने लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद धूप दीप फल आदि से भगवान श्री विष्णु और नारायण देव का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भी विष्णु नाम का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अन्न और धन की दक्षिणा देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। सफला एकादशी पर धन का वरदान पाने के लिए लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि की पूजा करें। मां लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित करें। पूजा के बाद ओम ह्रीम श्री वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद सौंफ और मिश्री को एक साथ रख लें और इसे रोजाना सुबह प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। एकादशी को बिस्तर पर नहीं जमीन पर सोना चाहिए। साथ ही मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना भी वर्जित है। वहीं सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।